नमस्कार दोस्तों, अखिल बॉम्बे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया जा रहा है कि हमारे चैनल के माध्यम से अखिल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा आपको जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। साथियों, तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। आज पीछे हम लोग जनरल साइंस की क्लास में क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। आज उन्हीं क्रोमोसोम्स को आगे पढ़ना है कि डिफरेंट शेप ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है। तो पीछे आपको यह बताया गया था कि क्रोमोसोम में दो आर्म्स होते थे, जैसे कि ये कहा गया कि क्रोमोसोम एक कंस्ट्रिक्टेड रीजन और उससे जुड़े हुए दो आर्म्स, एक ये स्ट्रक्चर बताएगा क्रोमोसोम, जिसमें कंस्ट्रिक्टेड रीजन को बोला गया था सेंट्रोमियर। जिसमें कंस्ट्रिक्टेड रीजन को क्या बोला गया? सेंट्रोमियर। तो इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे डिफरेंट शेप ऑफ क्रोमोसोम बताएंगे, कि मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है, बात करेंगे। तो यहाँ डिफरेंट शेप ऑफ क्रोमोसोम अगला टॉपिक है हमारा। कहा गया है कि ईच क्रोमोसोम हैज ए कंस्ट्रिक्टेड रीजन कॉल्ड द सेंट्रोमियर, मींस प्रत्येक क्रोमोसोम के पास एक कंस्ट्रिक्टेड रीजन होता है जिसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर कहा जाता है। फिर कहा जा रहा है कि द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज स्पेसिफिक टू ए क्रोमोसोम। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर किसी क्रोमोसोम में स्पेसिफिक होता है या फिर वैरी करता है, या फिर वैरी करता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज स्पेसिफिक आर वैरी टू ए क्रोमोसोम, में उसकी पोजीशन सेंट्रोमियर की बदलती जाती है। तो कहा गया सेंट्रोमियर डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू टू पार्ट्स। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और ये जो दो पार्ट्स इसके मिल रहे हैं, इन दोनों पार्ट्स को बोला गया है आर। क्या बोला गया? आर बोला गया, या फिर इन्हीं दोनों पार्ट्स को बोला गया था क्रोमैटिड। क्या बोला गया था? क्रोमैटिड बोला गया था, आप लोगों को बताया गया था क्रोमैटिड होते हैं ये दोनों आर्म्स। तो इन्हीं सेंट्रोमियर, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम आर फोर टाइप्स, ठीक है। सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे ही क्रोमोसोम को बताया गया कि क्रोमोसोम फोर टाइप्स के होंगे। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम आर फोर टाइप्स, ठीक। तो इनके इसे डिफरेंट शेप और टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला शेप एक बताया गया, पहला टेलोसेंट्रिक। पहला बोला गया क्या? टेलोसेंट्रिक, ठीक है। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम का पहला शेप बताया गया, पहले टाइप्स बताएगी क्या? टेलोसेंट्रिक बोलेगी। तो समझिएगा टेलोसेंट्रिक में क्या कहा जा रहा है, कि टेलोसेंट्रिक में रॉड लाइक क्रोमोसोम होगा, रॉड लाइक क्रोमोसोम एज सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम एंड। सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम एंड प्रॉक्सिमल एंड बोलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट एट प्रॉक्सिमल एंड पे, मतलब एकदम लास्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। रॉड लाइक क्रोमोसोम एज सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट प्रॉक्सिमल एंड। क्रोमोसोम जो होगा सेंट्रोमियर प्रॉक्सिमल एंड पे प्रेजेंट होगा। इसके शेप की बात करते हैं, जैसे ये इसका सेंट्रोमियर है, यानी ठीक सेंट्रोमियर, और ये इसका क्या है? क्रोमोसोम। तो यहां पर ये इसका क्या है? प्रॉक्सिमल एंड है सेंट्रोमियर। कुछ इस तरह की क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, टेलोसेंट्रिक की। टेलोसेंट्रिक की है स्ट्रक्चर होगी, मतलब कि एक तरीके से आपको इसमें टेलोसेंट्रिक रीजन में एक ही आर्म्स क्या होंगे? दिखाई देंगे। इसमें टेलोसेंट्रिक रीजन में एक ही आर्म्स दिखाई देंगे, क्लियर। तो ये टेलोसेंट्रिक की बात है, रॉड लाइक क्रोमोसोम एज सेंट्रोमियर प्रोजेक्टाइल प्रॉक्सिमल एंड। और दूसरी टाइप्स की बात की जा रही है कि टेलोसेंट्रिक के बाद क्या है? एक्रोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक के बाद क्या है?
एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, टेलोसेंट्रिक के बाद एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में रॉड लाइक क्रोमोसोम होगा और सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट एक्सट्रीम एंड पे होगा, मींस इसमें दोनों आर्म दिखाई देंगे लेकिन एक आर्म शॉर्टर होगा और दूसरा आर्म क्या होगा, लॉन्गर होगा, ठीक है। मींस दैट ये इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, जैसे ये सेंट्रोमियर है तो इसमें से कहा गया एक आर्म स्मॉलर होगा और दूसरा आर्म क्या होगा, लार्जर होगा, ठीक। तो ये इसकी क्या है, एक्रोसेंट्रिक रीजन है, इसका क्या है, एक्रोसेंट्रिक रीजन। तो ये चीज इसमें भी डिफाइन होती है कि रॉड लाइक क्रोमोसोम ठीक एट सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट एक्सट्रीम एंड मीन्स बात की जाए तो इसमें दैट इज वन आर्म इज शॉर्ट एंड एन अदर लॉन्ग, एक आर्म इसमें से शॉर्ट होगा और दूसरा आर्म क्या होगा, लॉन्ग होगा, तो आपका क्या कहलाएगा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, क्या कहलाएगा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक बात समझ आ रही होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक। ऐसी क्लास आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी। अगली तीसरी, ये टेरोसेंट्रिक पहला, दूसरा एक्रोसेंट्रिक, फिर कहा गया सब मेटासेंट्रिक, क्या बोला जा रहा है, सब मेटासेंट्रिक में, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक में कहा गया है कि जे या यल शेप्ड क्रोमोसोम होगा ठीक, जिसमें सेंट्रोमियर जो होगा प्रेजेंट, सेंट्रोमियर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। जे आर यल शेप क्रोमोसोम सेंट्रोमियर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सेंटर, ठीक है। इसमें सेंट्रोमियर क्या होगा, स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम, कहां से होगा, सेंटर से स्लाइटली डिस्प्लेस होगा। और इसमें जो आर्म होते हैं, इसके आर्म्स आर अनइक्वल, इसके आर्म्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। इसके शेप की बात करें, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक का, तो कहा गया कि इस तरीके से जे शेप्ड या यल शेप्ड की बात की गई है, जे शेप्ड या फिर यल शेप्ड में होगा सब मेटासेंट्रिक, ठीक। तो ये चीज कहा गया, इसमें इसके जो दोनों आर्म्स होंगे, कहा गया है आर्म्स आर अनइक्वल, तो ये दोनों, इसके दोनों आर्म जो होंगे, इसकी कंडीशन कही जा रही है कि अनइक्वल आर्म्स होंगे, क्या होंगे, इसके आर्म्स अनइक्वल होंगे, क्लियर। तो ये तीन तरह के, टेरोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक, और चौथा हमारा क्या है कि मेटासेंट्रिक, ठीक। फोर्थ का क्या है, मेटासेंट्रिक में वी शेप्ड क्रोमोसोम होगा, वी शेप्ड क्रोमोसोम जिसमें
यहाँ कहा गया सेंट्रोमियर स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से सेंट्रोमियर स्लाइटली डिस्प्लेस है, जबकि इसमें सेंट्रोमियर वी शेप क्रोमोसोम एज सेंट्रोमियर, एज सेंट्रोमियर प्रेजेंट, एज सेंट्रोमियर प्रेजेंट कहां पे प्रेजेंट होगा, एट द राइट ऑफ सेंटर, एट द राइट ऑफ सेंटर, एट द राइट ऑफ सेंटर, एकदम सेंटर में प्रेजेंट होगा, एट द राइट ऑफ सेंटर, ठीक, एकदम सेंटर में मेटासेंट्रिक में इसके आर्म्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब इनके आर्म्स के बारे में कहा जा रहा है कि बोथ आर्म्स आर इक्वल, दोनों आर्म्स इक्वल होंगे, बोथ आर्म आर इक्वल, बोथ आर्म आर इक्वल, नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो इन सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे तीन तरह के आपको, चार तरह के क्रोमोसोम बताया गया। पहला कहा गया टेरोसेंट्रिक, जिसमें सेंटर सेंट्रोमियर प्रॉक्सिमल एंड पे प्रेजेंट होता, मीन्स एक ही आर्म होती है। एक्रोसेंट्रिक कहा गया रॉड लाइक क्रोमोसोम एज सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द स्ट्रीम एंड, मीन्स वन आर्म इज शॉर्टर एंड अनदर लॉन्ग, दूसरा आर्म लॉन्ग होगा। सब मेटासेंट्रिक जे आर यल शेप्ड में होगा, ठीक, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम सेंटर से स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाता है, बोथ आर्म्स आर अनइक्वल, दोनों आर्म्स इसकी क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। मेटासेंट्रिक वी शेप्ड क्रोमोसोम एज सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द राइट ऑफ सेंटर, ठीक, जिसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट क्या होगा, राइट ऑफ सेंटर पे प्रेजेंट होगा, ठीक, अब बोथ आर इक्वल, ठीक, बोथ आर्म्स आर इक्वल होते हैं। इसके यदि शेप की बात कर ले तो कुछ इसी तरह से वी शेप, कहा गया वी शेप्ड सेंट्रोमियर है तो वी शेप्ड बना दीजिए वी शेप, ठीक, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है वी शेप। तो ये पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पे डिफरेंट शेप्स आप क्या होते हैं, क्रोमोसोम, ठीक, आई वासन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को यदि क्लास पसंद में आए तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए हमारे साथ, ऐसे ही हम आपको चैप्टर वाइज क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर एक तरीके से क्रोमोसोम के बारे में स्टार्ट किया है, आगे भी इसी चैप्टर से आगे बढ़ते रहेंगे, बायोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए अब यहाँ डिफरेंट शेप ऑफ क्रोमोसोम को पढ़ दिया गया, आगे दूसरा चीज पढ़ते हैं जीन के बारे में कि जीन क्या होता है। तो जीन कहा गया कि पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जीन्स के बारे में जानते हैं क्या होता है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है जीन, क्रोमोसोम का एक सेगमेंटल पार्ट कहलाता है जीन का। जिसमें यदि कहा जाए कि ह्यूमंस के क्रोमोसोम में थाउजेंड्स ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम में थाउजेंड ऑफ जीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जीन। जीन के बारे में कहा गया कि क्रोमोसोम है यदि क्रोमोसोम, ठीक, तो इसका यही पार्ट यदि कट कर दिया गया, एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका क्या कहलाया, जीन कहलाया, ठीक है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जीन कहलाया। जिसमें यदि जैसे इसकी स्ट्रक्चर कही आती है कि डबल हेलिक्सिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका डबल हेलिक्सिकल स्ट्रक्चर होते हैं इसमें क्रोमोसोम में, इस तरीके से डबल हेलिक्सिकल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, ठीक, डबल हेलिक्सिकल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, तो इसी से ये इसका कोई पार्ट कट करके निकाल लिया गया, कट करके क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया, तो ये क्या कहलाया है, इसका जीन का, ठीक है, इस डबल हेलिक्सिकल क्रोमोसोम से एक पार्ट डीएनए का है, डीएनए है, ठीक है, इससे कट करके निकाल लिया तो क्या कहलाया, जीन कहलाया। तो जीन जो होती है कि स्मॉल यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम होती है, जीन इज ए स्मॉल यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम,
अब जीन को कहते हैं यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या कहलाता है? यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी मींस वंशानुगत की इकाई होती है। जीन के द्वारा ही कहीं कहीं हमारे पेरेंटल करेक्टर हम तक पास आउट होती है। जीन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जीन के बारे में कहा जाता है कि जीन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जीन कैरी करता है इंफॉर्मेशन। जीन कैरी इंफॉर्मेशन। और जो पोजीशन ऑफ जीन होती है, पोजीशन ऑफ जीन इज स्पेसिफिक। पोजीशन ऑफ जीन स्पेसिफिक ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर इसकी पोजीशन क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। ठीक है, पोजीशन ऑफ जीन इज स्पेसिफिक ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर इसकी पोजीशन क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। और जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, पोजीशन ऑफ जीन जो होता है, इस पोजीशन ऑफ जीन को कहा जाता है लोकस। ठीक है, क्रोमोसोम के जिस रीजन पे, जिस एरिया पे जीन प्रेजेंट है, उसको क्या कहा जाता है? लोकस कहा जाता है। यहां इसके बारे में अगली जानकारी कहा जाता है कि ह्यूमन क्रोमोसोम है 1000 ऑफ जीन। ह्यूमन क्रोमोसोम है, ह्यूमन क्रोमोसोम के पास क्या होते हैं? ह्यूमन क्रोमोसोम है 1000 ऑफ जीन। ह्यूमन क्रोमोसोम के पास 1000 ऑफ जीन होते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन क्रोमोसोम की बात की जाए कि तो ह्यूमन क्रोमोसोम टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम, या भी कहते हैं कि 46 क्रोमोसोम। देखिए, पीछे क्लास बताई गई थी कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, या कितनी संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक के पास एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल का क्रोमोसोम होता है सिंगल, जो कुछ ही प्रोटीन से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक मींस ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, जिसके अंतर्गत हम सभी भी आते हैं, तो यूकैरियोटिक ऑल प्लांट्स और एनिमल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं मोर देन डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। और उनकी जो शेप होती है, संरचना, शेप और साइज, वो भी क्या होती है? ऑलरेडी डिफर होती रहती है एक दूसरे से। ठीक, तो ये जानकारी आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताई गई थी। तो आप वहां पर यूकैरियोटिक जो है क्रोमोसोम की पहली क्लास देख के इसके बारे में जान सकते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम का निर्धारण या क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं। ठीक, तो ह्यूमन क्रोमोसोम है 1000 जीन, 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम। तो इस तरह से कहा जाता है कि ह्यूमन के पास लगभग 30,000 जीन प्रेजेंट होता है। ह्यूमन के पास लगभग, ठीक है, अप्रोक्स 30,000 जीन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के एक सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाती है। इसी को कहा गया है कि 30,000 जीन इन ह्यूमन जीनोम। ठीक है, ह्यूमन जीनोम में 30,000 जीन्स की संख्या होती है। ह्यूमन जीनोम मतलब क्या होता है? ह्यूमन जीनोम की एक मीनिंग बताएं कि ह्यूमन जीनोम क्या है। ह्यूमन जीनोम, तो ह्यूमन जीनोम से मतलब है ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन जीनोम मीन्स ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम का एक कंप्लीट सेट वो कहलाता है ह्यूमन जीनोम। जिस ह्यूमन जीनोम में नंबर ऑफ जीन की संख्या कितनी बताई जा रही है? 30,000।
तो ये जीन से रिलेटेड चीजें थी कि जीन क्या होता है, यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी मींस यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, या फिर इस जीन को कहा जाता है कि जीन इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन जो होता है शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। ठीक, आगे है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो कहा गया डीएनए और प्लस प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से क्या मिलता है आपका क्रोमोसोम बना होता है, जिसमें सम अमाउंट ऑफ आरएनए की भी उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम एक कंबर, जो क्रोमोसोम कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड आल्सो सम अमाउंट ऑफ आरएनए प्रेजेंट, डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मींस क्या है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मींस होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम बताया जाता है कि क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन और सम अमाउंट ऑफ आरएनए से मिलकर बना होता है। और दूसरी चीज, इसे डीएनए को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को क्या कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है, जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है किसको डीएनए को। यदि पूछा जाए कि जेनेटिक मटेरियल्स क्या है ह्यूमन का, तो क्या है डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या है डीएनए, और यही डीएनए मींस जेनेटिक मटेरियल जब है तो यही इसी को बोला जाता है क्या है हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल बोलते हैं इसको डीएनए को, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को इंफॉर्मेशन इसी के द्वारा कही जाती है। ठीक है, तो कैसे लगी क्लास आप सभी को बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम जो भी छात्र जो भी लोग बोर्ड एग्जाम से जुड़े होंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या फिर अतिरिक्त इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है क्रोमोसोम से संबंधित। तो ऐसे ही क्लास हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम एक नई दिशा दीजिए। साथियों धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।